हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीज किचन। तो आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जी हाँ, बोरोसिल ग्रिल्ड सैंडविच मेकर का। तो चलिए करते हैं फर्स्ट अनबॉक्सिंग, बाद में उसका रिव्यू हम कर लेते हैं। तो ये है बोरोसिल ब्रांड का मेगा जंबो 180 डिग्री ग्रिल सैंडविच मेकर। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो देखिए, इसमें जो पावर है, पावर रेट है इसका 2000 वॉट्स एंड इसका वोल्टेज रेट है 230। तो चलिए इसे खोलकर देख लेते हैं कि कैसा है ये। वीडियो में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, पर ये बड़ा है काफ़ी। देखिए, फर्स्ट इसमें आपको यूज़र मैनुअल आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लीन करना है, सभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ना होगा कि इसे कैसे यूज़ करना है और इसके जो भी पार्ट्स है उसको कैसे आपको यूज़ करना है। तो ये 4 स्लाइस आपका ब्रेड आपको टोस्ट कर देगा। ये काफ़ी बड़ा है, मीडियम साइज़ के जो 4 स्लाइस ब्रेड है इसमें आराम से आ जाएगा। देखिए, इसका लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए इसका ब्रांडिंग भी, एंड देन ये जो आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी दिया है और साइड में जो लॉकिंग सिस्टम है, इसका थोड़ा सा क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लग रहा है लॉक का। देन बैक साइड में जो एक ट्रे दिया हुआ है, ये एक्सेस जो आपका ऑयल होगा इसमें ड्रिप होगा, तो ऑयल कलेक्टर जैसा ये काम करेगा। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है ट्रे का, तो एक बढ़िया इसमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें सब इसमें लेबलिंग दिया हुआ है, इसमें पावर रेट और इसका वोल्टेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो वायर हम देख लेते हैं। वायर जो है आपका 1 मीटर जितना वायर इन्होंने दिया हुआ है और 3 पिन प्लग है। ये 2000 वोल्ट है और वोल्टेज रेट 230 है। तो देखिए, यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक करने के लिए सिस्टम है। जो ये लॉक का जो क्वालिटी है मुझे अच्छा नहीं लगा है। बाकी ग्रिल प्लेट एकदम बढ़िया है, इसमें आपको ऑयल यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉनस्टिक ग्रिल प्लेट है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी हम इसका यूज़ करके भी देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है, जैसे ही इसको आप पुश करोगे ये 180 डिग्री इतना स्प्लिट हो जाएगा ये। तो इसमें आप तंदूरी पनीर, आपने प्राउन्स बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, चिकन आपको इसको ग्रिल करने में रख सकते हो। तो ये जो पुश बटन साइड में दिया हुआ है, सिर्फ इसे आपको पुश करना है, देन वापस से आप इसको सेम पोजीशन में ला सकते हो आपका सैंडविच मेकर के लिए। सैंडविच जब बनाओगे तो आप फिर से इसे वही पोजीशन में। टेम्परेचर जो कंट्रोल नॉब है इसके बारे में आपको बता देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यहाँ पे ऑफ, मीडियम एंड मैक्स लेवल है। देखिए, तो अगर आपको ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए तो मिनिमम में आप इसे रख सकते हो। देन ज़्यादा आपको टोस्ट चाहिए, टोस्टेड चाहिए, या तो फिर आपको आप चिकन या पनीर तंदूर करने के लिए रख रहे हो तो आप मैक्स लेवल में भी रख सकते हो। ऑटोमेटिक कट ऑफ का इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो आप, अब हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही प्लग इन किया तो पावर बटन ऑन हो गया रेड कलर का, और इसे मैंने प्री हीट कर रही हूँ। आप सैंडविच बनाने से पहले इसकी जो सरफेस है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, क्लोथ से, सूखे कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप क्लीन कर लीजिए। और इसे हम देखिए, 2 मिनट के लिए ये प्री हीट हो गया है और मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाया है बॉम्बे स्टाइल स्पाइसी पोटैटो सैंडविच। इसका भी रेसिपी मैं आपको जल्द ही दे दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेवल में, पावर लेवल में रख दिया है,
कोई भी डरने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली एक या डेढ़ मिनट में ये पावर कट ऑफ हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म हो गया तो ये फिर कट होके फिर से चालू हो जाएगा। देखिए ये ग्रीन लाइट अब जल रही है, जैसे ही प्लेट गर्म होगा ग्रिल प्लेट तो ऑटोमेटिकली पावर इसमें कट ऑफ हो जाएगा। देखिए ग्रीन लाइट बंद हो गया है। तो अगर इस लेवल में किसी को खाना है, मतलब ज़्यादा आपको टोस्टेड नहीं चाहिए, तो आप इस लेवल में इसे सर्व कर सकते हो। अगर ज़्यादा टोस्टेड चाहिए तो आप थोड़ी देर और रख कर, देखिए इस तरह से बढ़िया सा एक ग्रिल मार्क आ गया है इसमें। और जो ये सैंडविच है इसका रेसिपी भी मैं डाल दूंगी, बढ़िया रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। काफ़ी बढ़िया ग्रिलर है, आप भी यूज़ कीजिए। जी हाँ, बोरोसिल का मेगा जंबो 180 डिग्री ग्रिल सैंडविच मेकर। तो देखिए काफ़ी बढ़िया ग्रिल मार्क आ गया है इसमें। आप इसमें तंदूरी पनीर बना सकते हो, तंदूरी चिकन बना सकते हो, मसाला प्रॉन बना सकते हो, प्राउन कोली वड़ा बना सकते हो इसमें विदाउट ऑयल। तो मैं सर्व करके आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है। देखिए जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और मैंने मेरे चैनल में काफ़ी अच्छा अच्छा रेसिपी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।